ये देखिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न चाट की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हमें सीजनल जो सब्जियां वो खानी चाहिए। आज मैं कॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने ये 2 कप स्वीट कॉर्न लिया है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप फ्रेश भी ले सकते हैं या फिर आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर गैस पर पहले से ही पानी को उबलने के लिए रख दिया था, तो मैं ये जो स्वीट कॉर्न है पानी में बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है, ये इसके अंदर डाल दूंगी और इनको हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसके अनुसार नमक डाल देंगे थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए इनको हम बॉईल कर लेंगे। हमें ये हाई फ्लेम पर करना है। अब मुझे कॉर्न को उबालते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से उबल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनका जो सारा पानी है वो हम छान देंगे। अब मैंने इनको छान दिया है, एकदम से ठंडे चाहिए। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं और अब देखे जो मेरे कॉर्न है वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इनको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इनका जो सारा पानी था वो भी निचुड़ गया है। अब मेरे पास ये कॉर्न फ्लोर है, हम इसका यूज करेंगे। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप आरारोट भी यूज कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा चावल को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। अब मैं ये 4 चम्मच इसमें कॉर्न फ्लोर के डाल दूंगी। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये हम इसलिए डाल रहे हैं इसमें ताकि जो हमारे कॉर्न है वो क्रिस्पी बने और एकदम से करारे बने। थोड़ा सा हम नमक हम देख कर डालेंगे क्योंकि जब हमने कॉर्न बॉइल किए थे तब भी हमने नमक का यूज किया था। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी जो हमारे कॉर्न है उनमें पानी है तो ये आराम से कोट हो जाएगा। अगर इनकेस अगर ये कोट नहीं होता तो आप 1 चम्मच पानी का डालकर उसके बाद भी इसको कोट कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये कॉर्न फ्लोर है इसके ऊपर कॉर्न के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब देखिए जो कॉर्न फ्लोर है वो अच्छे से कोट नहीं हो रहा, तो मैं इसमें 1 चम्मच पानी डालकर इसको दोबारा से मिक्स कर लूंगी ताकि जो कॉर्न फ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो आप जब इसको फ्राई करेंगे तो जो सारा कॉर्न फ्लोर है वो आपके ऑयल में आ जाएगा और आपके सारे ऑयल को खराब कर देगा। मैंने गैस पर तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया। इसमें अब हम ये कॉर्न लेंगे और इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ये बहुत आराम से करना आपको। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब हम इनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से इनको खोल दीजिए क्योंकि कॉर्नफ्लोर की वजह से ये आपस में चिपक गए हैं, तो अगर इस तरीके से आप इनको खोलेंगे तो ये आराम से खुल जाएंगे। अब मुझे इन्हें फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए, अच्छे से ये फ्राई हो गई है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर हम इसको घी में से निकाल लेंगे। ये जो चाट है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और इसी तरीके से मैं जो दूसरे मेरे जो बचे हैं कॉर्न उनको भी मैं फ्राई कर लूंगी। अब ये देखिए मैंने दूसरे बैच के भी डाल दिए हैं इसमें फ्राई होने के लिए। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कॉर्न को डालकर रखते हैं तो कॉर्न फ्लोर जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो आप जब भी इसको फ्राई करें तो इसको अच्छे से एक बार मिक्स जरूर कर लें। अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए इनकी आवाज से आप सुनिए बहुत ही करारे हैं ये। अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। नमक हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने इसको बॉईल करने में भी नमक डाला था और जब हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था तब भी हमने नमक का यूज किया था। थोड़ी सी मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा बहुत ही टेम्पटिंग सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको जो हमने कॉर्न फ्राई करके रखे हैं उसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया।
अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मैं बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और मैं ये डालूंगी आधा नींबू का रस इसमें। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें ज्यादा नींबू डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम ही रख रही हूँ। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न चाट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम इनको सर्व करेंगे। एक बार आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी।